हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. मायसेल्फ पूर्णिमा डोंगरे, सब्जेक्ट टीचर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. यूनिट नेम इज सोर्सेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर. कोर्स आउटकम इज आइडेंटिफाई द सोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर. टूडेज टॉपिक इज वाटर सप्लाई स्कीम. In last topic, we studied about types of intake structure: canal intake, reservoir intake, lake intake, and river intake. Learning outcome of today's topic is students will able to draw flow diagram of water supply scheme in the given situation. आप सभी को मालूम है कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है. पानी ही जीवन है. हमारे घर में जो पानी आता है और जो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, वह हमेशा सेफ रहना चाहिए ताकि हर कोई पानी से होने वाली बीमारियों से बच सके. सभी एरिया में पानी सप्लाई करने का काम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट करता है. वाटर सप्लाई स्कीम मीन्स पानी इंटेक स्ट्रक्चर से ट्रीटमेंट प्लांट में जमा करना, पानी साफ करने के लिए पानी को अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस से पास करना और सेफ वाटर पब्लिक को सप्लाई करना. तो आपको समझ में आया होगा कि वाटर सप्लाई सिस्टम का काम क्या है. नाउ वी विल सी हियर द मेन फंक्शन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. मेक्स वाटर प्योर, पानी साफ करना. रिमूव्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, पानी में जो बैक्टीरियाज रहती है उसे पानी से निकालना. रिमूव्स आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट इन वाटर, पानी में जो हार्मफुल मेटल्स रहते हैं उन्हें पानी से रिमूव करना. मेक्स वाटर पोर्टेबल, हियर पोर्टेबल मीन्स द वाटर विच इज नॉट हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग. ऑल सप्लाइज वाटर विथ रिक्वायर्ड प्रेशर, पाइप से पास होते समय पानी का प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब ना हो. Next, we will see flow diagram of water supply scheme, that is water taken from source to consumer. Here we see flow diagram of water supply scheme. Water comes from water source to intake structure. From intake structure, water passes through bar screen to low lip pump well. From there, water goes to various treatment processes like pre-chlorination, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration, post-chlorination, and lastly collected in sump well. From sump well, water is collected to elevated service reservoir through high lift pump, from where it is distributed to distribution system. पानी वाटर सोर्स से इंटेक स्ट्रक्चर में जमा होता है. वहाँ से पानी ट्रीटमेंट प्लांट में आता है. बार स्क्रीन से पानी पास होते हुए हर ट्रीटमेंट यूनिट से पास होता है. पानी साफ होने के बाद एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में जमा होता है और वहाँ से पानी फिर हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. Now we will see the layout of water supply scheme. Here, as shown in the figure, the layout of water supply scheme is shown. This is the water source from where water is drawn to treatment plant. पानी water source से treatment plant में आता है. In treatment plant, various treatment units are provided. Here you see द फ्लॉक्यूलेशन टैंक. यहाँ पानी में क्वैगुलेंट ऐड करते हैं. क्वैगुलेंट्स ऐड करने के बाद पानी में जो स्मॉल इम्प्यूरिटीज रहती है वह धीरे धीरे इस टैंक में जमा होती है. नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन टैंक. इन सेडिमेंटेशन टैंक इम्प्यूरिटीज आर सेटल एट द बॉटम. इस टैंक में इम्प्यूरिटीज टैंक के नीचे जमा होती है. बाकी पानी में
बची हुई इम्प्यूरिटीज़ फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर होती है. सो दिस इज फिल्ट्रेशन टैंक. इन फिल्ट्रेशन टैंक वाटर इज फिल्टर एंड नेक्स्ट गोज टू डिसइन्फेक्शन टैंक वेयर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन वाटर गेट डिस्ट्रॉयड. नाउ द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड हियर. देन द ट्रीटेड वाटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ESR दैट इज एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर फ्रॉम वेयर द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस एरियाज एज पर रिक्वायरमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस. हियर आई विल एक्सप्लेन यू द फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. हियर द फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम इज गिवन इन डिटेल. वाटर सप्लाई स्कीम के जो यूनिट्स है उसके मेन फंक्शन यहाँ मेंशन किए हैं. इनटेक स्ट्रक्चर रॉ वाटर फ्रॉम ए सरफेस वाटर दैट इज नेचुरल सोर्स से पानी यहाँ जमा करना. बार स्क्रीन टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर फ्रॉम वाटर पानी में जो बड़ी बड़ी चीज़ें तैरती है उसे पानी से निकालना. लो लिफ्ट पंप वेल दिस पंप्स लिफ्ट द वाटर टू फ्लो थ्रू द ट्रीटमेंट प्रोसेस बाय ग्रेविटी. पंप से पानी ट्रीटमेंट यूनिट में भेजना. प्री क्लोरिनेशन टू डिसइनफेक्ट द वाटर पानी में जो जम्स है उसे पानी से बाहर निकालना. कोएगुलेशन टू सेटल डाउन इम्प्यूरिटीज पानी में कोएगुलेंट्स मिक्स करना. फ्लॉक्युलेशन दैट इज फ्लॉक फॉर्मेशन पानी में कोएगुलेंट मिक्स करने के बाद जो इम्प्यूरिटीज दिखती है उसे फ्लॉक कहते हैं. यह फ्लॉक्स कुछ समय के बाद टैंक के नीचे जमा होते हैं. नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन दैट इज इम्प्यूरिटीज सेटल एट बॉटम ऑफ टैंक पानी में जितनी इम्प्यूरिटीज रहती है वह टैंक में जमा होती है. फिल्ट्रेशन टू रिमूव रिमेनिंग इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर पानी में जो बची इम्प्यूरिटीज रहती है उसे फिल्टर करना. सम्प वेल वाटर स्टोरेज इन सम्प वेल पानी पूरी तरह से साफ होने के बाद सम्प वेल में जमा होता है. हाई लिफ्ट पंप वेल वाटर इज पंप टू अदर पंपिंग स्टेशन बाय हाई लिफ्ट पंप वेल थ्रू सम्प वेल. सम्प वेल से पानी पंपिंग स्टेशन में भेजना. ESR दैट इज एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर वेयर वाटर कम्स फ्रॉम पंपिंग स्टेशन पंपिंग स्टेशन से पानी एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में जमा रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट एरिया एज पर रिक्वायरमेंट. यहाँ से पानी हर एरिया में सप्लाई होता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. इन टूडे सेशन वी स्टडीड अबाउट वाटर सप्लाई स्कीम एंड फंक्शंस ऑफ ईच यूनिट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टूडेज टॉपिक आर ड्रॉ फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम फ्रॉम सोर्स टू कंज्यूमर. मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम. You have to solve these questions. If you face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you.